आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। एनडीए को 150 नशिस्तें तक नहीं मिलेंगी, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने पीर के दिन दावा किया कि बीजेपी जेर क्यादत एनडीए को जारिया लोकसभा इलेक्शन में 150 नशिस्तें तक नहीं मिलेंगी और ये इलेक्शन दस्तूर बचाने के लिए, जिसे भगवा जमात और आरएसएस बदलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा नशिस्त रतलाम में एक टाउन में इंतखाबी रैली से खिताब में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत यकीनी बनाएगी कि रिजर्वेशन की 50% की बालाई हद हट जाए। कांग्रेस के साबिक सदर ने जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी की भरपूर वकालत की। इन्होंने कहा कि इससे लोगों का पूरा मौकफ सामने आ जाएगा और मुल्क में सियासत की सिमत बदल जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी कायदीन पहले ही कह चुके हैं कि वो दस्तूर बदल देंगे। वो अब की बार 400 पार का नारा दे चुके हैं। 400 छोड़िए, इन्हें 150 नशिस्तें तक नहीं मिलेगी। ये लोकसभा इलेक्शन दस्तूर को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, जिसे बीजेपी और आरएसएस बदलना और फेंक देना चाहती हैं। कांग्रेस और अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद दस्तूर की हिफाजत कर रहा है। दस्तूर की बदौलत ही दलितों और दीगर पसमानदा तबकात को फवायद मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। हैदराबाद और 3 शहरों में वोटरों को मुफ्त सवारी की पेशकश, रैपिडो की पहल। रैपिडो जो हिंदुस्तान में मुसाफिरीन की पसंदीदा ऐप बन चुका है, ने पीर के रोज अहद किया कि वो 13 मई को रायदही के दिन हैदराबाद के अलावा करीमनगर, खम्मम और वरंगल में भी वोटरों को बाइक, टैक्सी, ऑटो और कैब की सवारी मुफ्त फराहम करेगा। जमहूरियत के सबसे बड़े त्यौहार पोलिंग के दिन हक रायदही से इस्तेफादा के लिए राय दहिंदगान की हौसला अफजाई करने की खातिर रैपिडो ने दफ्तर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से एक समझौता किया है। रैपिडो ने वोटरों में शोर बेदारी पैदा करने के लिए शहर के लाल बहादुर स्टेडियम में सीईओ विकास राज की मौजूदगी में एक तकरीब का अहतमाम किया है। इलेक्शन के दिन वोटर्स रैपिडो की मुफ्त खिदमात से इस्तेफादा कर सकते हैं। ताहम वोटरों को इस मुफ्त खिदमात से इस्तेफादा के लिए रैपिडो कोड वोट नाउ इस्तेमाल करना होगा, तभी राय दहिंदे रैपिडो की मुफ्त सवारी के जरिए मुतालिका पोलिंग बूथ पहुंच सकते हैं और अपने हक राय दही से इस्तेफादा कर सकते हैं। रैपिडो का इकदाम रेसिडेंट्स वोटिंग के हक को सहल बनाने के साथ साथ इन्हें इंतखाबी अमल में शामिल करना है। एक सहाफती एलमिया में ये बात बताई गई है। रैपिडो की यह पहल मुल्क गिर सतह के इकदाम के मुताबिकत रखती है। मुल्क भर के 100 शहरों में मुफ्त सवारी को यकीनी बनाने के लिए रैपिडो 10 लाख से जायद कप्तानों को तैनात कर रहा है। रैपिडो के शरीक बानी पवन गुंटापल्ली ने कहा है कि हमने हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम और वरंगल के हर एक वोटर को आम इंतखाबात 2024 में कामयाबी के साथ वोट देने के हक़ के शहरी फरीजे की तकमील को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाया है। रैपिडो चाहता है कि वो मुहाजरीन और मुअम्मर शहरियों को हक राय दही से इस्तेफादा के जमहूरी फरीजी की अदायगी तक रसाई को यकीनी बनाया जाए। विकास राज ने रैपिडो की इस पहल की सताइश की, जिसने रियासत के हैदराबाद के बशमूल करीमनगर, खम्मम और वरंगल जैसे शहरों में वोटरों को मुफ्त सवारी की पेशकश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। कर्नाटक में मां ने माजूर बेटे को मगरमच्छों से भरी नदी में फेंक दिया। कर्नाटक के धारवर में एक 6 साला मासूम लड़के को इसकी मां ने मगरमच्छों से भरी नदी में फेंक दिया। कर्नाटक के उत्तराखंड ज़िले के दांदली तालुका से ताल्लुक़ रखने वाली 26 साला खातून सावित्री ने अपने शौहर से झगड़े के बाद अपने माजूर बेटे को नदी में फेंक दिया। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक जोड़े में अपने माजूर बेटे की देखभाल पर अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णा ने कहा कि सावित्री ने मुबैना तौर पर रात 9 बजे के करीब अपने बेटे को मगरमच्छ से भरी नदी से जुड़ी एक नहर में फेंक दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी लोगों ने हुकाम को इत्तला दी। पुलिस गोताखोरों और मुकामी लोगों के साथ मुकामी वाक़े पर पहुंच गई।
गोताखोरों ने घंटों की मेहनत के बाद इतवार की सुबह लड़के की लाश दरिया से निकाली। पुलिस का कहना है कि बच्चे के जिस्म पर शदीद जख्म है और इसका एक हाथ गायब है, जिसकी वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बच्चा मगरमच्छ के हमले का शिकार हुआ होगा। हुकाम मामले की तहकीकात कर रहे हैं। नारायणा जूनियर कॉलेज संतोष नगर ब्रांच, हर साल की तरह इस साल भी इंटरमीडिएट के तालिबे इल्मों ने शानदार मुजाहरा करते हुए शहर में नारायणा जूनियर कॉलेज के झंडे गाड़े हैं। बाईपीसी में 440 में से 437 मार्क्स हासिल करते हुए समीरा, सिद्रा और आमिना ने शानदार कामयाबी हासिल की है और एमपीसी में 470 में से 467 मार्क्स हासिल करते हुए रुकैया और निहारिका ने टॉप किया है। अगर आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही शानदार निशानात से कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं तो नारायणा जूनियर कॉलेज संतोष नगर ब्रांच में आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए मिस्टर रवि कुमार से 9848879222 पर कॉन्टैक्ट करें। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जीरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जीरोक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिब दामों में। ऑनलाइन से मुतालिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल, न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलक नुमा रायचू बाजार के बाजू की गली में, 9030127804। न्यू रोज इंटरप्राइजेस। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही, मिलते हैं अगली न्यूज में।